अश्विनी उपाध्याय, देखिए हंसी मजाक अलग है, राजनीतिक बातें अलग है। अश्विनी उपाध्याय, क्योंकि आपने इस मुद्दे पर बहुत स्टडी की है और आपने बाकायदा कई पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में, वेल ड्राफ्टेड पिटिशन मैंने बहुत सारी पढ़ी भी, आपने फाइल किए। पहले मुझे यह बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या 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 अभी कौन से ऐसे कानून हैं अश्विनी उपाध्याय देश में जो अलग हैं, जिनको आप एक जैसा बनाना चाहते हैं? मुझे दो मिनट पॉपुलेशन पे दे दीजिए मानक, और बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं जितनी चादर हो उतना पैर फैलाना चाहिए। आप जरा हम अपनी चादर देख लेते हैं, हमारी चादर कितनी बड़ी है। रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना है, रूस की जनसंख्या मात्र 15 करोड़ है। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना है, कनाडा की जनसंख्या मात्र 4 करोड़ है। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना है, चीन की जनसंख्या मात्र 144 करोड़ है। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना है, जनसंख्या मात्र 33 करोड़ है। ब्राजील का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना है, जनसंख्या मात्र 22 करोड़ है। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना है, जनसंख्या मात्र 2.5 करोड़ है। और भारत की जनसंख्या, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में आन एफिडेविट दिया है, जिसको सरकार ने आज तक काटा नहीं है, मेरी PIL 5 साल से सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और हेल्थ मिनिस्ट्री को बाकायदा नोटिस गया हुआ है। आज तक उन्होंने जो हमने क्लेम किया है कि भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है, उसको सरकार ने काटा नहीं। और मैं बताता हूं कैसे मैंने कहा है। 2019 में केंद्र सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था 125 गौण आधार बन चुके हैं, और मैंने कम से कम 200 गांव में सर्वे करवाया, 20% लोगों के पास आधार नहीं है। यानी 125 गौण आधार वाले, 20% बिना आधार वाले, जनसंख्या हो गई सीधे 150 करोड़। अब बड़ी हमारा जो क्षेत्रफल है मानक, वो दुनिया का 2% है। दुनिया की आबादी 750 करोड़ है, अगर 2% उसका निकालो तो फिर तो 15 करोड़ होता है, फिर तो हमारी जनसंख्या 15 करोड़ होनी चाहिए। अगर पानी से तुलना करिए, हमारे पास दुनिया का 4% पानी है और दुनिया की जनसंख्या 750 करोड़, तो 750 करोड़ का 4% होता है मात्र 30 करोड़। तो अगर जनसंख्या के हिसाब, क्षेत्रफल के हिसाब से हमारी जनसंख्या 15 करोड़ होनी चाहिए, पानी की उपलब्धता के हिसाब से हमारी जनसंख्या 30 करोड़ होनी चाहिए, और हम हो चुके 150 करोड़। हम 70,000 बच्चे रोज पैदा कर रहे हैं, 70,000। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बना के देगी, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाएंगे। जब तक 2 करोड़ रोजगार देगी, 10 करोड़ बेरोजगार सड़क पे आ जाएंगे। इसलिए असंभव है बिना इसके। ये समस्या राष्ट्रीय समस्या है, इसका समाधान राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए। मुझे खुशी है कि मैंने तीन पॉपुलेशन कंट्रोल का बिल बनाया था, और माननीय 3 सांसदों ने, माननीय हरनाथ सिंह यादव, माननीय अनिल अग्रवाल और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, तीनों लोगों ने हमारा बनाया हुआ बिल राज्यसभा में पेश कर दिया है। 6 अगस्त को उस पर बहस होगी। अब मैं आता हूं पॉपुलेशन। अच्छा, एक सेकंड, पहले एक सवाल पूछ लूं आपसे इसी पे। आपने जो ये सारे आंकड़े गिनाए, ठीक है, बहुत बढ़िया है, मतलब आप ये चाह रहे हैं कि 150 करोड़ से 30-35 करोड़ पे आ जाए भारत की आबादी, आप उसे घटाना चाह रहे हैं? अब तो आ ही नहीं सकती, वो तो आ ही नहीं सकती। तो क्या स्थिरता चाहते हैं? स्थिरता वो तो नहीं आ सकती मानक। मैं ये कह रहा था हमारी चादर कितनी है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि 2% जमीन पे दुनिया की 20% आबादी रह रही है। ठीक है, मतलब आप स्थिरता चाहते हैं ना आबादी में, आप घटाना तो नहीं चाहते ना उसे? नहीं, 4% पानी को दुनिया के 20% लोग पी रहे हैं। मैं आपको ये समस्या, ठीक है, ओके। अब मैं आता हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे मैंने 5 PIL फाइल किया है। क्या पहले मेरी PIL है कि लड़के लड़की की शादी की उम्र समान होनी चाहिए। अभी लड़कियों की 18 है, लड़कों की 21 है, और मुस्लिम्स में मिनिमम एज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उनके यहाँ जब पीरियड शुरू हो जाता है तो शादी कर देते हैं। पीरियड 10 साल में शुरू हो जाता है, 11 साल में भी हो सकता है, 12 साल में हो सकता है। तो पहली मेरी PIL है यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज। दूसरी मेरी PIL है यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स। अभी हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई के जो तलाक के नियम है बिल्कुल अलग अलग चल रहे हैं। ये चूंकि तलाक जो होता है ये सबको पीड़ादायक होता है, जितनी पीड़ा हिंदू बेटी की होती उतनी पीड़ा मुस्लिम बेटी की होती है, इसलिए तलाक का नियम एक होना चाहिए। तो दूसरी PIL यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स है। तीसरा मेरी PIL है यूनिफॉर्म मेंटेनेंस। हमने कहा है कि गुजारा भत्ता सिविल राइट का इशू है, ह्यूमन राइट का इशू है, इसका धर्म और मजहब से कोई लेना देना नहीं। आपको 3 महीने गुजारा भत्ता दीजिए, सबको दीजिए। 3 साल गुजारा भत्ता देना है, सबको दीजिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि एक बहन बेटी को 10 साल तक गुजारा भत्ता मिल जाए, दूसरी बेटी को मात्र 3 महीने गुजारा भत्ता मिले। ये ठीक नहीं है। हाँ। ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। हाँ। चौथी मेरी PIL है यूनिफॉर्म एडॉप्शन गार्जियनशिप। अभी जो गोद लेने का नियम है बिल्कुल सबका अलग अलग है, किसी को है किसी को नहीं है, किसी में पुरुषों को है किसी में महिलाओं को नहीं है। मैंने यही कहा है गोद लेना के, जो गोद लेने का अधिकार है इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, प्योरली सिविल राइट ह्यूमन राइट का इश्यू है। हाँ। ये भी जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए। और पांचवी मेरी PIL है विरासत का नियम। हाँ। प्रॉपर्टी का नियम, देश की सभी बहन बेटियों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है मानक, ये जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वेलिटी का मैटर है,
इसका हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं। और अश्विनी उपाध्याय, आपको यकीन है कि आपकी पिटिशन पर सुप्रीम कोर्ट या फिर केंद्र सरकार कॉमन सिविल कोड लाने वाले हैं देश में? देखिए, मानक मैंने 5 PIL किया था, उसके बाद 5 और बहनों ने PIL फाइल कर दिया, तो टोटल 10 PIL हो गई है कुछ 5 विषयों पे। हाँ। और सरकार का जवाब बड़ी सीधी सी बात है, जैसे हिंदी में कहते हैं मौनम स्वीकार लक्षणम। हाँ। वैसे एक हमारी जुडिशियल डॉक्ट्रिन होती है साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। अगर सरकार हमारी PIL का उत्तर नहीं दे रही, हमारी PIL का विरोध नहीं कर रही है, उसको कहते हैं मौनम स्वीकार लक्षणम। इसका मतलब सरकार तैयार है। हाँ, विरोध करने वाले आ चुके हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड मेरी यूनिफॉर्म सिविल कोड का PIL का विरोध कर रहा है, हमारी जनसंख्या नियंत्रण वाली PIL का विरोध कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।